दोस्तों हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास ये एप्सोन का प्रिंटर है जिसका मॉडल नंबर LX310 है। इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, इसकी जो भी इसमें सेटिंग है या और कुछ जो भी है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में हम देने वाले हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों सबसे पहले जो हमारा प्रिंटर है इसकी सेटिंग को देखने के लिए हम इसको ऑन करेंगे। ऑन बटन को प्रेस किया, ऑन बटन प्रेस करने के बाद हमारा प्रिंटर है ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद इसमें जो बटन है इनकी नॉलेज ले लेते हैं। इनमें जानकारी के लिए आपको बता दें जो टीयर ऑफ है, ये फर्स्ट जो कॉलम बनाया है ये टीयर ऑफ का है, सेकेंड जो कॉलम है वो LF और FF का है दोस्तों, थर्ड जो कॉलम है लोड और इजेक्ट का है, और थर्ड कॉलम है वो पेपर आउट पुश लॉक इनका है। इसके बाद दोस्तों जो ये हमारा फॉन्ट बटन है इसको और आइटम जो बटन है माइक्रो एडजस्ट, जो आइटम लिखा हुआ है आइटम 1 आइटम 2, ये आइटम नीचे के लिए ये आइटम ऊपर के लिए, तो इसको यदि फॉन्ट को और आइटम जो ऊपर के लिए है जो माइक्रो इस बटन को एक साथ दोनों को प्रेस करेंगे तो हमारा प्रिंटर जो है वो रीसेट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद यदि हमें मेन्यू में जाना है तो इसका जो 2 नंबर बटन है और 3 नंबर बटन है जो माइक्रो एडजस्ट का अप डाउन का निशान जिस पे लगाया हुआ तीर का निशान, इन दोनों को हम एक साथ प्रेस करते हैं आइटम बटन और सेट बटन को, तो दोस्तों हमारा जो प्रिंटर है वो मेन्यू में चला जाता है। तो दोस्तों हम इनको प्रेस करेंगे, प्रिंटर हमारा ऑन है, ऑन प्रेस सेटिंग निकालने के लिए हम इनको ऑन प्रेस करेंगे और बीप की आवाज़ आए जो ही उसको छोड़ देना है। प्रेस किया, बीप की आवाज़ आई, छोड़ दिया, हमारे प्रिंटर की जो सेटिंग है वो शुरू हो गई। यानी सबसे पहले इसमें लैंग्वेज सेटिंग है, तो जो इस पर कवर है दोस्तों ये हटा लो जिससे आपको सेटिंग करने में आसानी हो। दोस्तों आप अब देख सकते हैं इसमें जो कि सेटिंग कर रहे हैं इसमें जो अंडरलाइन है वो अभी इंग्लिश पे है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है और इटालियन है और भी काफ़ी सारी लैंग्वेज है, तो अभी जो अंडरलाइन है वो हमारी इस पे इंग्लिश लैंग्वेज पे अंडरलाइन इंग्लिश लैंग्वेज पे है दोस्तों। इंग्लिश लैंग्वेज पे है तो इसको आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे इसमें जो ये सेट बटन है और ये फॉन्ट बटन है तो फॉन्ट बटन को प्रेस करना होगा, लैंग्वेज आगे बढ़ते चले जाएगी, जो अंडरलाइन है वो आगे आगे हो जाएगी। अब आगे हुई, फिर करेंगे फिर और आगे हो जाएगा, फिर करेंगे फिर आगे वाली लैंग्वेज पे, फिर करेंगे फिर आगे वाली पे, फिर करेंगे आगे वाली पे, फिर करेंगे फिर इंग्लिश पे आ गया। तो जो भी सेट हमें लैंग्वेज सेटिंग करनी है वो आते ही हमें सेट को प्रेस कर देना चाहिए। सेट प्रेस कर दिया, लैंग्वेज सेटिंग हो गई दोस्तों। अब लैंग्वेज सेटिंग होने के बाद हमें इसके आगे जो और सेटिंग है दोस्तों, जैसे पेज लेंथ हमें सेट करना है, उसके बाद इंटरफेस सेट करना है, बॉर्ड रेट सेट करना है, डाटा लेंथ सेट करना है, या पिच, या इसके अलावा और भी जो सेटिंग है जिसमें इसमें सेटिंग है जो भी है, उन सभी के बारे में हम इसी वीडियो में आपको बता देंगे। उनके बारे में यदि जानना है तो उनके बारे में भी अलग अलग जानेंगे। अब फिर हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, अभी फॉन्ट को प्रेस करेंगे। तो फॉन्ट को प्रेस किया तो दोस्तों पेज लेंथ 4 ट्रैकर पेज लेंथ आ गया दोस्तों। अभी पेज लेंथ हमें हमारी 12 इंच है, इसको यदि चेंज करना हो तो हम सेट बटन को प्रेस करेंगे, 14 इंच फिर 17, ऐसे आगे आगे बढ़ता जाएगा। आपको जितने इंच करना हो पेज लेंथ उतना कर सकते हो, तो हमें 12 ही रखना है। तो 12 पे जाने के बाद फिर से 12 पे जब आएगा, 12 पे आ गया फिर 14, जैसे भी आप 12 पे आएगा दोस्तों, 12 पे आते ही जो सेट बटन है और जो आइटम बटन है उसको एक साथ प्रेस कर दोगे। अब इसको एक साथ प्रेस करेंगे तो ये लोड हो जाएगा, बीप का आवाज़ आया, लोड हो गया। अब दोस्तों आपको आगे और सेटिंग करनी है तो उसके लिए भी ऐसे ही करना है। आपको सीधा सेट बटन प्रेस किया था आपने तो वो हो गया था, उसके बाद यदि आपको करना है तो फिर से प्रिंटर को ऑन किया और इन दोनों बटन को प्रेस किया, दोनों को प्रेस किया, प्रेस करने के बाद आपको लैंग्वेज के लिए आपने किया था तो सेट बटन को प्रेस किया आपने, उसके बाद आपको आगे प्रेस किया सेट बटन को,
तो आपकी पूरी सेटिंग निकल जाएगी। तो आप देख सकते हैं जो हमने सेटिंग किया उसमें 12 इंची इस पर सेलेक्ट हो रखा है, 12 इंच के नीचे अंडरलाइन लगी हुई है, आप देख सकते हैं ये 12 इंच सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद यदि दूसरा इसमें सेटिंग करना है तो उसके लिए हमें आइटम बटन और ये दोनों प्रेस करना है, बीप के साथ छोड़ देना है। उसके बाद फिर हमें फॉन्ट बटन प्रेस करना है, फिर फॉन्ट लैंग्वेज के लिए इंग्लिश पे आया, सेटिंग पे क्लिक किया, सेट हो गया। उसके बाद फिर हमें आगे बढ़ना है तो हमें फॉन्ट को क्लिक करना होगा, पेज लेंथ हमने सेटिंग देख लिया, अभी जो भी हमें बॉर्डर वगैरह है जो भी हमें सेट करना है तो हम उसी पर जाएंगे। प्रिंट डायरेक्शन है या सॉफ्टवेयर है, सेल्स है, इंटरफेस मोड है, ऑटो में है, तो यदि दूसरे मोड में करना हो तो हम सेट बटन को प्रेस करेंगे। अब ऑटो के बाद पैरेलल है, पैरेलल के बाद सीरीज है, तो आपको जिस प्रकार का चाहिए ऑटो पैरेलल सीरीज आप कर सकते हैं। फिर यूएसबी मोड है, यूएसबी के बाद फिर ऑटो मोड है, आपको लोड कर देना है। अब फिर ऑटो में आते हैं, आपको लोड बटन प्रेस करना है। दोस्तों लोड हो गया है, इसी प्रकार आपको जो भी सेटिंग करनी है वो हो जाएगी। और लोड होते ही अब आप इसमें लोड हो गया, इसको चेक करना चाहो तो आप फिर से इसको चेक भी कर सकते हो। दोस्तों ये सेटिंग भी कंप्लीट हुई। दोस्तों फिर से यदि आपको अगली सेटिंग करनी है उसके लिए प्रिंटर को फिर से ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद फिर से इन सेट बटन और आइटम बटन को प्रेस करेंगे, बीप की आवाज़ के साथ छोड़ देंगे, उसके बाद फिर हमारा लैंग्वेज आ जाएगा, उसके बाद हम सेट बटन को प्रेस करते हैं। सेट बटन को प्रेस करने के बाद दोस्तों हम आगे आगे इसमें जाना है तो फॉन्ट की सहायता से आगे चले जाएंगे, फॉन्ट की सहायता से आगे जाएंगे तो हमारी सेटिंग जो भी हमें मिली है वो पूरी सेटिंग हम देखते चले जाएंगे। जो भी हमें चेंज करना हो वो चेंज कर सकते हैं। दोस्तों जो भी सेटिंग हमें चेंज करनी है, चाहे वो बॉर्डर रेट हो, इंटरफेस हो या पेज लेंथ हो, जो मेन है वो आप कर सकते हैं, या हम सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में पता करना, तो सब इसमें आपको सेटिंग में मिल जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फ्रेंड, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फ्रेंड, बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।